हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो टी वाई बी कॉम कॉस्ट का तुम्हारे लिए पेपर सॉल्यूशन लेके आओ, ठीक है? और अच्छे से समस्या सॉल्व करते हैं। और पेपर क्या आया था, तो पहले ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं, ठीक है? डैश इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, है ना? तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो फैक्ट्री रेंट, ये फिक्स होता था, बाकी सब वेरिएबल में आता है, याद रखना। फिक्स जो होता है ना वो वेरिएबल नहीं होता, रेंट फिक्स होता है। कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये लाइन पढ़ के समझ आने का, कॉस्ट कब सेम रहेगा, पर यूनिट बोला है वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है? कॉस्ट ऑफ लॉकअप कॉस्ट, लॉकअप कॉस्ट किसका हिस्सा होता है, कैरिंग कॉस्ट का, संभालने का खर्चा। परचेज ऑर्डर आर प्लेस, मतलब परचेज कब करते हैं, जब स्टॉक क्या पहुंच जाता है, रीऑर्डर लेवल, ठीक है? परचेज ऑर्डर कब किया जाता है, जब रीऑर्डर लेवल पर पहुंच जाता है। रेम्यूनरेशन सिस्टम, पगार का जो सिस्टम है, वेजेस पेड ऑन बेसिस ऑफ आवर स्पेंड, कितना घंटा किया तो उसको बोलते हैं टाइम रेट, और कितना प्रोडक्ट बनाया तो पीस रेट, ये टाइम रेट है। हेल्सी प्रीमियम प्लान में कितना परसेंट आता है, 50% ऑफ टाइम सेव, सम सॉल्व करा है तुम्हारे लिए मैंने। उसके बाद बोला है लाइटिंग, ओके, क्या बोला, लाइटिंग एक्सपेंस, सीधी बात है, लाइटिंग एक्सपेंस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा, और ये रहेगा ना, आप क्या बोलते हैं, पगार वगैरह नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे रहता है, ठीक है? स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आर ओवर हेड आर ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, री अपॉर्चमेंट ऑफ ओवर हेड्स। डेप्रिसिएशन डिलेरीमेंट, जो डेप्रिसिएशन डिलेरीमेंट वो सेलिंग का खर्चा होता है, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर वो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वो ये फैक्ट्री ओवर होता है, ठीक है? वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी किधर आता है, वर्क बोला तो वर्क ओवरहेड में आता है, ठीक है? रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट में ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो ओवर हो गया, क्या हो गया, ओवर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? और इधर क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया, तो फिर अंडर वैल्यू हो गया तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट। अभी ट्रू ऑफ फॉल्स, अच्छी बात है भाई, मैच ऑफ फॉलोइंग नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो एक्सपेंस विच इज इंकर्ड इन पास और कॉल संक कॉस्ट, जो एक्सपेंस पुराने पहले हुआ है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट बोलते हैं। ट्रू कॉस्ट विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉल्स, गलत है। अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड स्टॉक इज इश्यूड एट एवरेज रेट, फॉल्स। अपने सब सम सॉल्व किया तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है ये, तो एकदम इजी से हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या बोला है, अंडर पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री आर वैल्यूड ऑन पर्टिकुलर डेट, नहीं पर्टिकुलर डेट पर नहीं होता, ये भी फॉल्स है। स्टोर लेजर इज सेम एज बीन कार्ड, नहीं ये भी गलत है भाई, ये भी क्या थोड़ा गलत है, थोड़ा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ मोबाइल का। इसके बाद क्या बोला, टाइम वेज रेट इज गारंटेड अंडर हेल्सी प्रीमियम प्लान, ये ट्रू है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज स्टैंडिंग कॉस्ट, यस सैलरी फिक्स कॉस्ट में आता है, ये ट्रू होता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है ना। कैंटीन एक्सपेंस को नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांटते हैं ओवर हेड में, यस ये भी ट्रू है। इन कॉस्ट इट्स सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेट द बेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नहीं ये फॉल्स है। कैरेज ऑर्डर इज शोन अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यस ये ट्रू है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, नहीं फॉल्स। अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डिडक्टेड, नहीं ये भी फॉल्स है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था। और फिर पेपर पैटर्न में क्या आया था बच्चों लोग मालूम है क्या, 20 मार्क का ओवरहेड का समय था, एकदम नकली वाला आया था, मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दिया तुम्हारे लिए। फिर उसके ऑप्शन में थोड़ा खतरनाक वाला लेबर आया था, तो ये वाला सम तुम लोग सॉल्व कर सकते थे। फिर 10 मार्क का ईओक्यू आया, ईओक्यू और मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल आया, उसके ऑप्शन में 20 मार्क का कॉस्ट शूट आया, थोड़ा बड़ा वाला आया फिक्स वेरिएबल वाला, ये भी अपलोड हो चुका है, टेंशन नहीं लेने का। फिर 10 मार्क का थोड़ा ये आया रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट और फीफो आया, तो इधर ये कर सकते थे ना, जिसको नहीं आता है, आता है जिसको तो पूरा मचा देगा वो। मशीन ओवर रेट आया, फिर लेबर के ऊपर एक सम आया, और शॉर्ट नोट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वैसे ही आया था जैसे बोला था बच्चों को लिखने के लिए। ये तुम्हारा पेपर था, ठीक है? ये कौन सा पेपर था तुम्हारा मालूम है क्या, केटी वाले का पेपर था बच्चे लोग, ठीक है? मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूँ, अगर तुमको कुछ भी हेल्प चाहिए, ओके, तो आप ये नंबर में मैसेज कर दो, मैं पूरा बुक का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा तुमको, पूरा वीडियो बना दिया हो, 60-70 वीडियो बना दिया हो, ठीक है? प्यार से गुरु दक्षिणा भी दे देना। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।